अंडरस्टँड द मिनिंग ऑफ सेट्स संचाचा अर्थ काय ते पहिला बघूया हे मी नंबर लिहिले वन टू थ्री फोर फाय सिक्स सेवन एट नाईन टेन दिज आर नॅचरल नंबर आता याच्यामधले इव्हन नंबर्स कोण आहेत ह्याच्यामधले इवन नंबर्स ह्याच्यामधल्या समसंख्या म्हणजे दोन ने भाग जाणाऱ्या संख्या कोण आहेत डिव्हिजिबल बाय टू टू फोर सिक्स एट और टेन ओके okay. तो सपोज मैंने एक सेट बनाया संचा नाव कॅपिटल असतं ये थोड़ा प्रैक्टिस तुम लोग को करना पड़ेगा ओके okay? या तो फिर सिंपल सिंपल गिव इट टाइम प्रैक्टिस करो अभी एग्जाम में लिखना है एग्जाम में लिया प्रैक्टिस थोड़ी कराया पाइजे सो दिस इज द नेम ऑफ सेट ए अभी इसमें कौन कौन आ रहा है टू आ रहा है फोर सिक्स एट एंड टेन ना इससे एक नंबर कम आएगा ना इससे एक नंबर ज्यादा आएगा ट्वेल आएगा क्या इसमें नहीं आएगा क्योंकि मैंने वन टू टेन नंबर लिखे हैं तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं पक्का निश्चितपणे सांगू सकते तो, टू फोर सिक्स एट टेन से ना एक कोई कम होगा ना एक कोई बढ़ेगा इसमें तो वेन आई कैन टेल द ऑब्जेक्ट डेफिनेटली एंड क्लियरली मैं निश्चितपने की एवडेस लोक ये मग मी बोलना सेट मग मी बोलना संचय ये सेट इसलिए है क्योंकि इसमें कौन कौन आने वाला है मुझे डेफिनेटली पता है समझो मुझे एक बी सेट बना है बनाना है कि द गुड स्टूडेंट्स इन माय क्लासरूम क्या बनाना है मुझे गुड स्टूडेंट्स माजा वर्गतली चांगली मुला अभी कैसा है गड़बड़ कि मुझे कोई अच्छा लगेगा किसी और को अच्छा नहीं लगेगा है ना मुझे कोई अच्छा नहीं लगेगा किसी और को अच्छा लगेगा तो इस सेट्स में किसी का नाम आएगा राहुल का नाम आएगा कोई और सेट बनाएगा तो राहुल का नाम नहीं आएगा तो ये गुड स्टूडेंट्स का सेट है ना इसमें डेफिनेटली कितने लोग हैं कितने लोग नहीं है बता नहीं सकते हम लोग तो जब हम लोग डेफिनेटली नहीं बता सकते तो वी कैन नॉट कॉल इट सेट तो गुड स्टूडेंट्स इन माई क्लासरूम इसका सेट नहीं बन सकता क्योंकि डेफिनेटली नहीं पता है हंड्रेड परसेंट है हाँ उसके बदले में मैं क्या बोलूं कि द स्टूडेंट्स जिनका सरनेम होता है स्टार्ट एस से शर्मा सोनावणे समथिंग लाइक दैट जिनका सरनेम एस से स्टार्ट होता है तो आई कैन राइट डेफिनेटली नेम्स तो मुझे पक्का पता है आई डेफिनेटली नो कितने स्टूडेंट्स का नाम एस से सरनेम एस से स्टार्ट होता है तो अगर तेरा स्टूडेंट रहेंगे तो तेरा ही रहेंगे जिसका नाम होता है उसका नाम लिखेंगे जेवा पक्का अपने पक्का महती है ऐचा ऑब्जेक्ट ऐसा घटक घटक अपन तेला बोलना संच जब मुझे डेफिनेटली पता है कि इसमें कौन कौन आने वाला है तो ही उसे बोलूंगा मैं सेट सेट बी फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव तो जो अंदर है ना उनको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स तना तो आपन बोलतो घटक तो 5 बी के अंदर है या नहीं फाय बी के अंदर है तो फाइव इज एलिमेंट ऑफ बी पांच हा बी का घटक है ट्वेंटी सेट बी का एलिमेंट है या नहीं है लेकिन इसमें आपको ट्वेल्व दिखाई दे रहा है क्या? अपेला तो 12 बारह दिसे तो ट्वेल्व इज नॉट एलिमेंट ऑफ बी घटक असेल तर है चिन्ह घटक न सेल तर है चिन्ह अगर इसमें है सेट में कोई ऑब्जेक्ट है एलिमेंट है तो हम लोग ये साइन लिखेंगे नहीं है तो ये साइन लिखेंगे सेट एम सेट का नाम कभी भी कैपिटल संचार से नाम असल तर कैपिटल इक्वल टू थोड़ी प्रैक्टिस करना आ जाएगा ये अंदर अगर लेटर लिखते हैं ना तो दे आर स्मॉल संचार आठ घटक ले स्मॉल लेटर द नेम इज ऑलवेज कैपिटल तो अभी एम सेट है इसके एलिमेंट से वन टू थ्री फोर फाइव फाइव एलिमेंट्स है और सेट का नाम है एम नेम इज इन कैपिटल अंदर अगर लेटर लिखने हैं तो दे आर ऑलवेज स्मॉल नव विल सी मेथड्स ऑफ राइटिंग ए सैट संच लिने बया सिल बात लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल स्पेलिंग है एप्पल तो एप्पल में कौन कौन आता है ना उसका सेट बनाएंगे एप्पल वर्ड में कौन से लेटर्स आते हैं उसका सेट बनाते हैं एप्पल शब्द मधे को अक्षर ये अपन सेट बनूया ओके तो नेम ऑफ द सेट इज एक्स एक्स आय रोट कैपिटल कैपिटल लीला ओके okay, थोड़ी प्रैक्टिस करा यून जाना साइन तो कौन कौन है ए है उसके बाद में है पी फिर एक बार है पी तो इन सेट आई विल नॉट राइट दोन पी सेम है ना तो आई विल नॉट रिपीट मैं एक ही बार लिखूंगा इसमें ए है पी है डबल पी है तो मैं एक ही बार पी लिखूंगा फिर है एल और फिर है ई e. मुझे क्या कहना है कि एप्पल की स्पेलिंग में चार ही लेटर रहते ए पी एल ई -E, स्पेलिंग में पी डबल हो जाता है बट इन सेट आई विल नॉट रिपीट तो ये जो लिस्ट लिखते है ना सबका नाम लिखते उसको बोलते हैं लिस्टिंग तला यादी तो अपने नाइन्थ के आफ्टरनून बैच में कितने स्टूडेंट्स है तो सबका नाम आएगा यहाँ पे सब स्टूडेंट्स का नाम आ जाएगा यहाँ पे ओके अभी वही देखते हैं हम लोग रूल और सेट बिल्डर फॉर्म है इसमें हम लोग एक भी ऑब्जेक्ट का नाम नहीं लिखते इसको हम लोग कैसे लिखेंगे देख लो इसमें एक भी नाम नहीं आएगा ए पी एल एक भी नाम नहीं आएगा यहां पे हम लोग लिखेंगे सेट एक्स है वो ऐसे लोगों का सेट है जो एप्पल की स्पेलिंग में आते हैं एक्स इज सेट ऑफ सच एक्स दैट एक्स इज लेटर फ्रॉम वर्ड एप्पल एक का भी नाम नहीं लिखा गोट इट एक्स हा अक्स एक है कि एक्स है एप्पल हा शब्दी अक्षर है वेट करना रिवाइंड करना फिर देख लेना इजी है रुक के देखना विदाउट अंडरस्टैंडिंग डोट कॉपी डाउन आपके हाथ में क्लासरूम है अभी तो जब तक नहीं समझते फिर एक बार रिपीट करते रहना लिस्टिंग में रहेगा सबका नाम लिस्टिंग है एका छपन नाव ने यहाँ पे नाम ही नहीं आएगा किसी का एक्स इज सेट ऑफ सच एक्स दैट एक्स इज यहाँ पे लेटर कोई भी चलेगा ए बी सी डी कोई भी लेटर लिखो एक्स इज सेट ऑफ सच एक्स दैट एक्स इज लेटर ऑफ द वर्ड एप्पल तो मैंने ना क्या बना दिया यहां पे मैंने उनका कैरेक्टरिस्टिक बता दिया वो क्या है ना वो बता दिया नाम नहीं लिखा एक भी मी तो कोण है ना हा, हा या जे जेवड़े है सर्वानी एक्स नाव दिल सर्वान बोलो संचा मध्य फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला था नाइन्थ के स्टूडेंट तो मैं क्या बोलूंगा कि x इज सेट ऑफ सच एक्स दैट एक्स इज स्टूडेंट फ्रॉम आफ्टरनून नाइन्थ स्टैंडर्ड बैच यहां पे क्या रहेगा x लिखूंगा और सब स्टूडेंट्स का नाम लिख दूंगा और यहां पे लिखूंगा x सच दैट x इज स्टूडेंट ऑफ नाइन्थ स्टैंडर्ड क्लास b सेट ऑफ द नेम ऑफ द सेट इज b द ऑब्जेक्ट्स आर ट्वेल्व एलिमेंट्स आर ट्वेल्व सिक्सटीन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ट्वेंटी एट बी संच बारह सोलह बीस चौबीस अट्ठावी है घटे ये कौन है पहचानते हो इनको नंबर्स देखेंगे ना तो वी शुड रेडिली आइडेंटिफाई देम यू शुड बी एबल टू रेडिली आइडेंटिफाई देम टेबल बाय एड चाहिए स्क्वेर बाय चाहिए क्यूब क्यूब रूट्स वगैरह सब तभी हम लोग को नंबर देख के आइडिया आना चाहिए कि वॉट डिज नंबर सर बिकॉज इन केस ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म हम लोग को पहचान के लिखना है कि ये कौन है कौन है ये 12, 16, 20, 24, 28. ट्वेंटी एट दीज आर नंबर इन टेबल ऑफ फोर चार यात्री संख्या है सर्व फोर थ्री जा फोर फोर जा फोर फाइव जा फोर सिक्स जा फोर जा ओके okay? अभी ध्यान से देखो वी आर डूइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम आता हम गुणधर्म पद्धत कसी होना तो इतना तो हम लोग को पता है बी इज सेट ऑफ सच एक्स दैट ये सबको मैंने नाम दिया एक्स इजी है ये सबको मैंने नाम दिया एक्स बी इज सेट ऑफ सच एक्स दैट पहली थिंग तो एक्स इज इन मल्टीपल ऑफ फोर समथिंग न्यू हम लोग स्टार करके रखेंगे नवीन शिकला स्टार द लेफ्ट साइड ऑफ पेपर लेफ्ट पेपर एंड राइट पेपर हा बुक खोलने के बाद लेफ्ट पेपर पे पूरा लिस्टिंग मेथड लिख देना राइट पे पूरा रूल सेट बिल्डर फॉर्म लिख देना यादी पद्धत डाबिक लिया चला नेक्स्ट बार जो भी सम आएंगे ना तो अगर लिस्टिंग का आता है तो सम यहाँ पे और रूट रूल मेथड आता है सेट बिल्डर तो यहाँ पे तो अपने पास ज्यादा एग्जाम्पल तैयार होते रहेंगे हाँ बेसिस्टमेटिक सो फोर का मल्टीपल है तो हो गया तो मैं बोलूंगा फोर का मल्टीपल तो फिर एट भी है तो एट नहीं है इसमें फोर का मल्टीपल तो थर्टी टू भी है तो थर्टी टू नहीं है तो यह इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है एक सी संख्या। चार चौटी मग संख्या आठ पन पाइजे चार अजन संगा लगे पहली बात तो वो फोर के टेबल में है ओके नेक्स्ट थिंग इज ट्वेल्थ के पहले कौन आएगा एट और ट्वेंटी एट के बाद में कौन आएगा थर्टी टू इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक्स इज मल्टीपल ऑफ फोर एक्स फोर के टेबल में है बराबर बात है लेकिन वो एट के आगे और थर्टी टू के पीछे है आठ पेक्षा मोटा है और बत्तीस पेक्षा लहाना है ये दोनों इंफॉर्मेशन अपने को लिखने पड़ेंगे। घबराओ मत, हम लोग एक दो एग्जांपल और लेते हैं जब तक समझता नहीं तब तक देखते रहना अस चेक दिस अभी दिया है रूल में सेट बिल्डर फॉर्म में गुणधर्म पद्धत संगित लिया है ए हा आशा एक सा संचाय के एक से एक्स इज लेटर ऑफ वर्ल्ड एडिशन एडिशन वर्ल्ड में जितने लेटर है वो इस सेट में है ए आशा एक, एक सा संचाय के सा एडिशन शब्दाथी अक्षर सेट बना देते कौन कौन आएगा इसमें ए डी ए डी डी दूसरी बार नहीं लिखेंगे आए फिर टी आई एक बार लिखा है रिपीट नहीं करेंगे ओ एंड एन ए डी आई टी ओ एन एक्चुअल स्पेलिंग है ए डबल डी आई टी आई ओ एन इन सेट विल नॉट रिपीट द लेटर्स ओके ये दिया है रूल मेथड में हमने कन्वर्ट कर दिया लिस्टिंग मेथड में आप गुणधर्म पद्धति अपन लिखा यादी पद्धति नेक्स्ट सेट इज डी द एलिमेंट्स आर इलेवन थर्टीन फिफ्टीन 17, नाइनटीन ट्वेंटी वन पहले तो आइडेंटिफाई करो कि विश नंबर दीज आर ये कौन है भाग न विषम संख्या दीज आर ऑड नंबर दीज आर नॉट डिविजिबल बाय टू पहले आइडेंटिफाई किया कि ये कौन है फिर हम लोग उसका कैरेक्टरिस्टिक लिख पाएंगे ओके तो लिखेंगे डी इज सेट ऑफ सच एक का नाम रूल मेथड में हो गया x d इज सेट ऑफ सच x दैट x इज ए ऑड नंबर x ही विषम संख्या है कंप्लीट सेंटेंस एंड सेकंड कंडीशन अगर ये ऑड है तो फिर नाइन क्यों नहीं है सेवन क्यों नहीं है फाइव क्यों नहीं है ट्वेंटी थ्री नहीं है ट्वेंटी फाइव नहीं है तो पूछ चा मागचा संख्या नहीं है तो हम लोग को x का लिमिट देना पड़ेगा इसके पहले कौन आएगा नाइन तो नाइन के आगे से शुरू होता है और ट्वेंटी थ्री के पहले

ओरल एग्जाम में पूछेंगे तो पूरा बोलना पड़ेगा डी इज सेट ऑफ सच एक्स दैट डी हा एक्स एक संचा है कि एक्स ही विषम संख्या एक्स ही विषम संख्या एक्स है तेवीस पेक्षा पाटी है नवापेक्षा मोटा तेव पेक्षा लहान तो फर्स्ट पहचाना क्या है सेकंड पहचाना लिमिट थोड़ा रिविजन एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर राइटिंग सेट्स नेचुरल नंबर्स नैसर्गिक संख्या कितने मैंगोज है तो कितने मैंगोज है अगर बास्केट में तो कम से कम एक तो होना चाहिए देखने के लिए बास्केट मधे कित गोष्टी तो समझने सा एक तरी पाई तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते जो हमें देखता है जो हम लोग देख सकते हैं वन टू थ्री फोर इन्फिनिट कितने भी हो सकते हैं कितने भी हो सकते हैं लेकिन मिनिमम एक होना चाहिए तो एक से आगे जितने नंबर है स्टार्टिंग फ्रॉम वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स उनको हम लोग बोलते हैं और नेचुरल नंबर से नैसर्गिक संख्या है तो नाम उसका कंपलसरी है एन गिव द नेम एन। फिर इंडिया ने खोज की जीरो की इंडिया ने दाखो लेके अगर बास्केट में एक भी मैंगो नहीं है तो जीरो मैंगो है तो एक नया हम लोग को नंबर मालूम पड़ा जीरो तो जीरो आने के बाद नंबर्स हो गए होल पूर्ण संख्या तो होल नंबर स्टार्ट होते हैं जीरो से मैंगो कितने है? एक भी नहीं है तो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सो सोट कितने भी ये खत्म नहीं होंगे इन्फिनिट अनंत संख्या ओके नेचुरल नंबर्स वन से स्टार्ट होते हैं जो हम लोग देख सकते हैं होल नंबर्स में जो देख सकते हैं प्लस जो नहीं देख सकते जीरो टोटल हो गए तो ये हो गया होल नंबर्स कंप्लीट नंबर्स पूर्ण संख्या झाला ओके okay? फिर अपना नॉलेज बढ़ा तो आ गए इंटेजर्स पूर्णांक संख्या तो इंटेजर्स में क्या होता है जो अपनी नंबर लाइन याद करो तुम लोग जीरो जीरो के आगे वन टू थ्री आप जितना लिख सकते हैं लिख सकते है, राइट में इंफिनिट और जीरो के लेफ्ट में माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री वगैरह वगैरह लेफ्ट में भी इंफिनिट तो जैसे अपनी लाइन रहती है लाइन को हम लोग एरो देते हैं ना तो राइट में भी इन्फिनिट और लेफ्ट में भी इन्फिनिट उजी कड़ेपन अनंत अनंत एंड अनएंडिंग चालू लेफ्ट चालू सो एंडिंगल नंबर सेट इज एन कहां से शुरू होते हैं वन से फिर इससे बड़ा है इसमें और इसमें सिर्फ जीरो का ही फर्क है एक ही नंबर यहां पे बढ़ जाता है जीरो नेचुरल नंबर्स में जीरो प्लस कर दिया तो आ गया यहां पे होल नंबर्स होल नंबर्स पूर्ण संख्या शुरू पास एंड एंटेजर है वो जीरो से राइट में भी और जीरो से लेफ्ट में भी जो भी कंप्लीट नंबर से जीरो से राइट में भी और लेफ्ट में भी राइट में पॉजिटिव लेफ्ट में निगेटिव इसमें जीरो ओके okay? तो अभी ये सेट आ गया सेट इज एक्स और उसके एलिमेंट्स कौन है घटक है सहा सात आठ नौ दहा आकड़ा तो ये कौन है तो इजी सबसे सिंपल है ये नेचुरल में भी आते हैं बराबर ना नेचुरल में वन टू से स्टार्ट होते हैं होल नंबर्स में भी आते हैं जीरो वन टू थ्री फोर उसमें भी आएंगे और इंटीजर्स में भी आएंगे तो सबसे इजी क्या पड़ेगा इसमें कौन से एलिमेंट्स पड़े यहां पे नाम नहीं लिखेंगे एक का भी तो हम लोग क्या लिखने वाले थे नॉर्मल एक्स इज सेट ऑफ अच एक्स दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एक्स ही नैसर्गिक संख्या आए उसके बदले में लिखेंगे एक्स इज एलिमेंट ऑफ एन क्योंकि नेचुरल नंबर्स को हमने नाम दिया था एन एक्स हा एन सा घटक है नैसर्गिक संख्या संच है एन तो हम लोग ने यहाँ पे क्या किया इंस्टेड ऑफ राइटिंग एक्स इज अ अचुरल नंबर एक्स ही नैसर्गिक संख्या आहे चा बदलत में लिला? X एन है घटक है एक्स इज एलिमेंट ऑफ एन एंड आगे की बात तो हम लोग को पता है इसका लिमिट बताना है किसके आगे है फाइव से आगे है एक्स और किससे कम है ट्वेल्व से कम है लिमिट भी बता दिया पांच पेक्षा मोटा बारह पेक्षा लहान अब के बाद में अगर नेचुरल होल या इंटीजर्स में कुछ आता है तो विल राइट लाइक दिस एंड देन लिमिट अगर आता है कलर्स ऑफ रेनबो इंद्रधनुष रंग तो इतना आप सग्या रंगा निया ना ताना पी ही नीपाजा तामड़ा नारंगी लाल पिवड़ा विप ग्योर वॉयलेट इंडिगो ब्लू वगैरह वगैरह सब और यहां पे क्या लिखेंगे एक्स एक्स इज कलर ऑफ रेनबो एक्स एक्स हा इंद्रधनुष रंग दोनों में फर्क समझना चाहिए मंथस ऑफ ईयर ग्रेगेरियन ईयर इंग्लिश ईयर तो जनवरी फेब्रुआरी मार्च अप्रैल मे जून सर्वाशी नाबाइनर और यहां पे कहेंगे एक्स एक्स इज मंथ ऑफ ग्रेगेरियन कैलेंडर जे क्वेश्चन देते लिस्ट और यहां पे लिखेंगे हम लोग उसका कैरेक्टरिस्टिक तो दिस इज इस लिस्टिंग इसके नाम में ही है लिस्टिंग फॉर्म और यहां पे उसका रूल भाई उसका रूल क्या है कौन इस सेट में आएगा कौन नहीं आएगा और रूल यहां पे लिखेंगे